पीलीभीत की जिला जेल में सजा काट रहे बंदी की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिवार वालों ने जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगाया है। 2 माह में जेल में यह तीसरी मौत होने से जेल प्रशासन सवालों के घेरे में आ गया है। मृतक 19 दिन पहले ही जेल गया था और मारपीट व SC ST एक्ट के तहत 4 साल की सजा न्यायालय ने सुनाई थी। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामले में अगर तहरीर आती है तो जांच के बाद कार्रवाई की जाएगी। वहीं जेल प्रशासन मामले में कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। पीलीभीत जिला जेल में लगातार हो रही मौतों ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। आज फिर एक सजा याफ्ता कैदी की मौत से परिवार वाले जेल प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाते नजर आए हैं। दरअसल 2016 में द्यूरिया कोतवाली क्षेत्र के रहने वाले 50 वर्षीय अनिल कुमार के खिलाफ मारपीट SC ST एक्ट के तहत मुकदमा लिखा गया था। न्यायालय ने 18 दिसंबर 2018 को अनिल को 4 साल की सजा सुनाई, जिसके बाद अनिल को जेल भेजा गया था। मृतक अनिल 19 दिन पहले जेल में बंद था और बिल्कुल स्वस्थ था। आज परिवार वालों को जेल प्रशासन ने सूचना दी कि अनिल की तबीयत खराब है। जब परिवार वालों ने जिला अस्पताल आकर देखा तो अनिल की मौत हो गई थी। जिला अस्पताल के डॉक्टर का भी कहना है कि जेल प्रशासन अनिल को मृत अवस्था में लेकर आया था। वहीं घर वालों का रो रो कर बुरा हाल है और जेल प्रशासन पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। क्या नाम है आपका? लक्ष्मी देवी। लक्ष्मी जी, क्या हो गया? पति कब से बंद थे, किस मामले में बंद थे जेल पर? हमारी आदमी बेकोश हो रहा है। धानु के साथ लड़ाई हुआ, उनने झूठी झाटी रिपोर्ट लगाया। फिर रिपोर्ट लगाए तो उनने हमारी आदमी 4 साल की सजा बुलवाई दो। हमने मिलाई को नया, हमारा आदमी पति ठीक है, हमसे खूब बतलाओ, हमारे कहीं तुम्हें भीख मांग लियाओ, दूरे फेरो, हमारे जमानत करो। हमने जमानत करने तो हम मजूरी करते, भीख मंगाती, दूरे पैसा इकट्ठो करते आए। आज हमारी आदमी 4 बजे उनने ख़त्म कर दो, 6 बजे हमारे घर फोन गए, कहते तुम मिलाई करने आओ। हमने मिलाई करने आओ, हमारी पति लाश मिला। तो आपको क्या लगता है इसमें? हमारी आदमी बेकसूर है, हमारी आदमी ने मार डालो। किसने मार डाला है? अरे भैया जेल लोग मार डालो, जेलर मार डालो, हमारी आदमी पुलिस ही मार डालो। इससे पहले भी कुछ हुआ था जब आप मिलाई करने आई थी? हमारे आदमी कुछ होना है, बहुत ठीक है। इससे पहले भी आप बताए कोई कुछ हो गया? खूब फिर हम जब बोलती है हमारे समझाती है, आदमी थोड़ा सा चोट थी, उनकी दवाई चलती था, कहते हमारे नहीं हला जो। तो चोट कहाँ लगी थी? अस्पताल का है। नहीं, चोट कहाँ लगी थी? जेल में ही लगी थी। जेल में ही लगा था बक्खा, उन्हें डॉक्टर खींचो तो बक्खा उतारी गए, तो उनके उन्हें इलाज चलती है, जा हमसे जाकर ही उन्हें इलाज चलती है। तुम चिंता मत करियो, अपने बालक लेके काम करो, रोटी खाओ। तो हम काम धंधे करते रोटी खाते, उन्हें मिलाई करने आओ तो हमारी लाश मिला। कब से कैद थे यहाँ पर जेल में? ये कब से बंद है? हमने 18 तारीख ही बंद है। सर, एक कैदी की मौत हो गई है, किस तरह का मामला है? द्यूरिया थाना अंतर्गत 2016 में क्राइम नंबर 441/16 पंजीकृत हुआ था, जिसमें 323, 325, 504, 506 IPC के अभियोग में अनिल कुमार नाम के एक कैदी को 4 वर्ष की सजा हुई थी। अभी 18/12/2018 को उसकी आज जेल में डेथ हो गई है। अब उनके जो है सूचना पर पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो भी आएगा, परिजनों का जो भी आरोप होगा उसकी जाँच करा के अनुसार संगत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। सर, 2 महीने में ये तीसरी मौत हो गई है और तीनों जेल के अंदर हो गई है। अस्पताल लेके जाते हैं, अस्पताल वाले कहते हैं कि मृत लेके आए थे, तो क्या ऐसा चल रहा है जेल के अंदर, क्यों हो रही है? अब जेल के अंदर क्या चल रहा है इसके संदर्भ में मजिस्ट्रेरियल जांच होगी, वो DM साहब कराते हैं और जुडिशियल इंक्वायरी भी होती है, उसमें जो तथ्य आएगा उसमें सब कार्रवाई की जाएगी, उसमें कोई चीज छिपाया हो जाता है। परिवार वाले अगर तहरीर देते हैं मुकदमा होगा? परिवार वाले तहरीर देंगे, उस पर जांच होगी, जांच से सिद्ध हो जाएगा कि जेल वाले दोषी हैं, तब मुकदमा होगा।